इरादे नेक हो, गर्मी देखिए चैत के मौसम में देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया, यह सब ऊपर वाले की कृपा है। और हम कोई भाषण नहीं देंगे, आप लोग खाली मेरी बात को सुनिएगा, हम बस आपके गांव में आए हैं, बस इसलिए कि आपके गांव में हम आए थे, आपके गांव ने जो सम्मान हमको दिया है, जो प्यार हमको दिया है, तो हम भी झूठा ना बने, हमने आपसे जो कहा था वो वादा पूरा किया कि नहीं किया। अब भरोसा है ना आप लोगों को, भरोसा हो रहा है ना? अब भाई पुल जो बना रहे हैं संवेदक वो कहाँ है, जरा उनको भी बुलवाइए। मुन्नन जी, अरे गांव वाले सब खुश है ना आप लोग? उधर माँ बहने सब खुश नहीं है क्या? सब खुश है ना? सबको खुशी, आगे आ जाइए, अब तो मौसम ठंडा हो गया, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हम आप लोगों के बीच में जब आए थे तो बोले कि नीलकंठ, नीलकंठ हम नहीं, हम नीलकंठ के पुत्र हैं, महादेव के पुत्र हैं, और समुद्र मंथन हुआ था ना, उस तरह इस बार उम्मीदवार मंथन हुआ था, और उम्मीदवारों के मंथन में आप लोगों ने मुझे चुना है। जितने भी दल थे वो अपने दल दल में खुद रह गए और अपने अपने निर्दल बेटे को यहाँ तक पहुँचा दिया। बन रहा है ये आप लोगों का देन है। और छोटे भाई ने बोला कि किताब अपने कलम में रिफिल हमारे उस समय नहीं था, उसमें स्याही नहीं था, आज आपने जब स्याही भरने का काम किया है तो देखिए विकास के काम किस तरह से शुरू हो रहे हैं। ये पांचवा महीना है चुनाव के बाद से, और यह पांचवा योजना है, लेकिन अगला जो पांचवा महीना होगा, ईश्वर की कृपा रही, अगर कोरोना नहीं रहा तो अगले पांच महीने में 25 योजना का शिलान्यास करूंगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगले पांच महीने में 25 योजना का शिलान्यास होगा, कार्यारंभ होगा, या उससे अधिक भी हो सकता है। समय नहीं मिल पा रहा है, समय अभाव के कारण हम लोग यहाँ नहीं पहुंच पा रहे थे। मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, नया नया मंत्रिमंडल मिला, आपने अपने बेटे को ना सिर्फ विधायक बनाया, आपने अपने बेटे को मंत्री बना दिया। और हमने आपको पहले भी कहा था इस बार आप विधायक नहीं, इस बार आप नेता चुने जा रहे हैं, इस बार आपका नेता, इस बार अगर आपका नेता आपका विधायक बनता है तो आपका बेटा पूरे बिहार में नेता बनकर उभरेगा। और यह पहचान आपने दी है, पूरे बिहार भर में लोग अब आपके बेटे को जानने लगे हैं, चकाई के चहेते को जानने लगे हैं कि पूरे बिहार में चकाई एकमात्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा जहाँ का उम्मीदवार निर्दलीय है, और निर्दलीय आप लोगों ने जिताया है, सभी दलों पे आप लोगों ने भारी बनाया मुझे, ये आप लोगों का आशीर्वाद। और आप लोग के आशीर्वाद और प्यार को देखते हुए आज हमारे नेता नीतीश कुमार ने भी आपके बेटे को सम्मानित करने का काम किया, और नीतीश कुमार ने आपके बेटे को मंत्री बनाया और वह जगह दी अपने कैबिनेट में कि अब आप लोग जो चाहें वो काम अपने बेटे से करवा सकते हैं, अपने क्षेत्र के विकास में और चार चांद लगा सकते हैं। इसके लिए आपके बेटे को हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने मंत्री बनाया। आप लोगों की चिर परिचित मांग रही है बीड़ी मजदूरी की, 11 रुपया सरकारी दर से बीड़ी मजदूरी बढ़ा दी गई है इस 1 अप्रैल से, लेकिन अभी गांव टोलों में नहीं बढ़ा होगा। इसके लिए भी हम जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे, और आपकी बीड़ी मजदूरी की बात हमने कही थी, बीड़ी मजदूरी बढ़ेगी ये हमने कहा था। आपको कोई एरा गेरा बोल के नहीं गया, आपका बेटा था, आपके बेटा आपके बीच में बोल के जाता था, और नेता हो सकता है कि झूठ बोल के भी चला जाए, लेकिन बेटा अपने घर परिवार वालों से झूठ नहीं बोलता। हम पिछली बार भी जब आए थे इस गांव में हम विधायक नहीं थे, गांव वालों ने मुझे कुछ नहीं बोला, सिर्फ प्यार दिया, सम्मान दिया, लेकिन उस वक्त भी मेरे अंदर एक मलाल था कि 2014 में स्कूल के अंदर, उसके बाद भी ये पुल नहीं बन पा रहा था। लेकिन हम गांव में जब भी आते थे गांव वालों के पूछने से पहले हम ये बोलते थे उनको, इस बार बस आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए और मैं वहां पहुंच जाऊं, आपका पुल मैं सबसे पहले लेके आऊंगा, आपका विश्वास टूटे नहीं, आपका प्यार बना रहे, इसके लिए हमने इस पुल का शिलान्यास किया। और सबसे पहले हमने ये तय किया कि चलिए भगवा भगवा में जाएंगे, यहीं बैठेंगे और आपके पुल का हमने शुरुआत किया। हमने कोई झूठ नहीं बोला, ना हम कोई झूठ बोलते हैं, हम आपके बीच के हैं और आपके बीच में ही काम करते हैं। आपके लिए स्कूल की भी मांग है, आप लोग जो मांग करते आ रहे हैं, आप लोग जो जो बात सोच रहे हैं अपने मन में वो हमारे मन में भी चल रहा है, हम कोई गैर नहीं, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि हम आपको भूलेंगे नहीं, हम आप लोगों से यही बस आप लोग का यही प्यार चाहिए, हमको आप लोग का यही प्यार चाहिए। और यहाँ तो सब यदुवंशी समाज के अधिक लोग हैं, लोग कहते थे कि भगवान ने आपको रमणी टोला का तो मिल जाएगा, यदुवंशी समाज का नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने जोरदार तमाचा दिया है उन सभी के मुंह पे जो जात पात धर्म और
अलगाव की बात करते हैं, आप लोगों ने उनके चेहरे पे तमाचा दिया है और आप लोगों ने दिखाया कि आपका बेटा वो जात पात धर्म से ऊपर है और आपने इसको तय भी कर दिया और यह दिखा दिया आपने पूरे बिहार में। और आज मैं जहां हूं ये ताकत आपकी दी हुई है, ये शक्ति आपको दी, आपकी दी हुई है। और यदुवंशी समाज के साथियों, यदुवंशी समाज के भाइयों और भी अन्य जितने गौ पालक हैं, पशुपालक हैं, उनको मैं एक और खुशखबरी बता देता हूं। पूरे जम्मू जिला के 8 प्रखंड में बीएमसी है, यानी बल्क मिल्क कूलर, जहां दूध शीतलकरण दूध जहां ठंडा करते हैं। पूरे जम्मू के 8 प्रखंड में नहीं है, अगर कहीं तो कहां नहीं है, अपने सोनौर चकाई। हमने उसके ऊपर भी ध्यान दिया, यदुवंशी समाज के भाई अगर आप गाय पालन करते हैं, गौ पालन करते हैं, तो आप अपना दूध कहां बेचेंगे। झाझा प्रखंड के लोग बेच सकते हैं, जमुई प्रखंड के लोग बेच सकते हैं, लक्ष्मीपुर, बरहट, खैरा, सिकंदरा, अलीगंज, सब लोग बेच सकते हैं, लेकिन रह कौन जाता है? गिद्धौर बेच लेता है, रह कौन जाता है? तो चकाई और सोमो जहां इतना काम हुआ है वहां के गौ पालक दूध नहीं देंगे। हमने आपके लिए यह व्यवस्था भी किया है। और जो इतना बड़ा पार्क खुला है माधोपुर में महावीर वाटिका, वहां भी हमने सुधा डेयरी के लिए बूथ बनाने की मांग की है, वह भी स्वीकृत है। और आपका बीएमसी भी स्वीकृत हो गया, वह भी आपका शुरू हो जाएगा। अब आप अपने घर में गौ पालन कीजिए, दूध अपना वहां ले जाके वहां बीएमसी में जमा करवा दीजिए, वहां भी आपको पैसा मिलेगा, दूध बेचने का कोई चिंता नहीं है। हालांकि दूध तो हम जो यहाँ पे जितना भी उत्पादन करेंगे उसके लिए तो हमारे लिए बगल में देवघर, लेकिन अब सुधा का अपना जो ये होता है बीएमसी, वो बीएमसी भी अब यहाँ शुरुआत हो जाएगा। ऐसे एक नहीं, अनेकों कार्यक्रम हमारे दिमाग में चल रहे हैं कि हमें कैसे आपके इलाके में यह काम करना है, आपके इलाके में कैसे काम करना है और क्या क्या करना है। कहीं स्कूल, कहीं अस्पताल, सड़कों का जाल तो बिछा ही है। और आप सबसे मैं एक बात कहूंगा, मैं उम्र में छोटा हूं, आपके बेटे की तरह हूं, आपके भाई की तरह हूं, अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो अपने भाई और बेटे की तरह मुझे समझाने का प्रयास कीजिएगा और हमको पूरी तरह से समझा के अपने बात को पूरा रखवाइएगा कि कैसे हम अपने काम को पूरा करें। और जब कभी भी आपको लगता हो कि मुझसे मिलना जरूरी है, बेहिचक आप मुझसे आके मिल सकते हैं, यहाँ से लेके चकाई, मेरे गांव। आप तो हर समय देखते हैं कि फेसबुक पे मैं, सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहता हूँ, आप किसी भी माध्यम से जान लीजिए कि मैं कहाँ हूँ। बस जब आपकी इच्छा होगी और जिस किसी को भी जो कोई भी काम होगा, आप बेहिचक मेरे पास आना। ये कभी मत समझना कि आप किसी मंत्री के पास जा रहे हैं, आप जिस तरह अपने बेटे अपने भाई के पास जिस तरह पहले जाया करते थे, पहले मिला करते थे, आपका भाई आज भी आपकी खिदमत में उसी तरह से हाजिर है। 365 दिन 24 घंटे मैं आपके लिए बना हूं और आपके लिए मैं खड़ा हूं। और इसी बात के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूं, इन तमाम शब्दों के साथ यहां उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सलाम, जय हिंद, जय भारत।